दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स के तहत हम पल्सटिला की बात कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस में हमने पल्सटिला के जनरल रूब्रिक्स की बात की, पल्सटिला के सिंगुलर रूब्रिक्स की बात की। तो इस वीडियो में हम पल्सटिला के 3 केसेस की बात करेंगे, जो तीनों के तीनों डिफरेंट सेट ऑफ रूब्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस एक बच्ची का है, 7 ईयर्स की बच्ची, जिसको वीट एलर्जी है। वीट एलर्जी में अक्सर बच्चों में जो देखने को सिम्टम्स मिलते हैं, वो एक उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनकी हाइट कम रह जाती है, उनका HB बहुत कम होता है, उनका वेट कम होता है, उनको भूख नहीं लगती, उनके पेट में दर्द होता रहता है। सो ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। इस बच्ची में भी यही प्रॉब्लम थी, इसको पेट में अक्सर दर्द रहता था, लूज मोशन लगे रहते थे, किसी पास के डॉक्टर से दवाई ले लेते थे, 2-4 दिन ठीक रहता था, दोबारा से फिर से हो जाते थे। इसकी बॉडी की ग्रोथ बहुत कम थी, इसका 7 ईयर्स में इसका वेट सिर्फ 20 किलोग्राम्स था और इसकी हाइट थी 3 फीट 1 इंचेस। जब इसकी नेचर के बारे में पूछा गया तो पेरेंट्स ने बताया कि बिल्कुल भी कहना नहीं मानती, ऐसे नहीं है कि कहना माने, और सारी जगह पे बखेरा डाल के रहती है, इसकी बुक्स है उधर खिल रही रहती हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बहुत केयरलेस है, बात बात पे रो पड़ना, थोड़ा सा कुछ मांगे हमने जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं मिलेगा, बस एक ही क्वेश्चन, आप तो मुझे प्यार नहीं करते, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। और इसी बात पे ये हमें ब्लैकमेल करती है कि मुझे तो प्यार नहीं करते, और नए नए कपड़े डालने का बहुत ज्यादा शौक, कलरफुल क्लोथ्स, लेकिन केयरलेस बहुत ज्यादा है। और जब भी ये रो पड़ती है, 2 मिनट में रो पड़ना, 2 मिनट में थोड़ा सा चुप करवाया और चुप कर जाना। सो दिस वॉज द केस। इसमें जो मैंने, मुझे सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट लगा वो एक रूब्रिक पल्सटिला का है जो मैंने वीडियोज में डिस्कस नहीं किया, वो है ब्लैकमेल। सेज व्हेन रिफ्यूज्ड यू डोंट लव मी। बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, फिर माँ बाप को जबरदस्ती वो चीज देनी पड़ती है कि अब ऐसे बच्चे क्यों बोले कि उनको वो प्यार नहीं करते। सो इसमें 2 मेडिसिन है, ट्यूबरकुलिनम एंड पल्सटिला, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो ट्यूबरकुलिनम है उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, तोड़ फोड़, ये सब बहुत है। पल्सटिला बिल्कुल उसके ऑपोजिट, माइल्ड, यील्डिंग। तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है कि जब भी इनको कोई चीज रिफ्यूज कर दो, बच्चों को खासकर, तो ये ब्लैकमेल करते हैं कि नो यू डोंट लव मी, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, यू डोंट लव मी। तो इसी बात के ऊपर इसका, इस केस का मैंने थीम लिया कि बात बात पे रोना और झट से चुप कर जाना, मान जाना और फ्रिवलस। पल्सटिला एक ऐसी मेडिसिन है जो फ्रिवलस में भी है और फास्टिडियस में भी है, दोनों में है। तो वीट एग्रीवेट, फ्रिवलस, वीपिंग इजीली, कॉन्सोलेशन एमिलोरेट एंड ब्लैकमेल, यू डोंट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड। सो इसको पल्सटिला 30 की पहले एक डोज दी, उसके बाद सेक्लेक फॉर 1 मंथ, उसके बाद पल्सटिला 200 वन डोज एंड सेक्लेक फॉर 1 मंथ, देन पल्सटिला 1 mg इन द 3rd मंथ एंड अगेन सेक्लेक फॉर 1 मंथ। जो इसकी फर्स्ट TTG की रिपोर्ट थी दैट वॉज 50, विच शुड बी लेस देन 7। तो अभी जब 3 महीनों के बाद इनकी रिपोर्ट करवाई गई तो इट वॉज 15.7, विच शुड बी लेस देन 20। जो ये वाली रिपोर्ट थी 20 से लेस देन होनी चाहिए थी। और बच्चे का हम वीट फर्स्ट जो इसके 3 मंथ्स होते हैं उसमें टोटली बंद कर देते हैं, 100% बंद, वीट भी बंद, वीट के कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते, जो भी लेना है आपने ग्लूटेन फ्री लेना है, कोई भी वीट से बने हुए कोई भी चीज नहीं ले सकते। सो जब रिपोर्ट आई इट वॉज 15.7, इट वॉज वेरी गुड, पहले 3 महीनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद
हर मंथ पल्सटिला 1 mg डोज दी गई विद सैकलैक. अगेन आफ्टर 3 months उनकी जो रिपोर्ट आई दैट वॉज 3.8. यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं है, पहले ही नहीं खाते, तो हमारी रिपोर्ट तो ठीक आएगी ही आएगी. लेकिन मुझे आपको 6 months का पीरियड देना है. वो 6 months इसलिए क्योंकि जो विलाए आप कुछ कुछ खाते रहते हैं, वीट खाते रहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाए जिनकी एट्रॉफी हो जाती है, बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, वो ग्रो करने में 6 months लगते हैं. तो इसलिए 6 months के लिए बिल्कुल टोटली वीट बंद किया जाता है. इसके बाद इसके फादर ने बोला कि बच्चा बहुत वीक है लेकिन एक्टिव बहुत है. जो केस की प्रोग्रेस का हम जो देखते हैं कि किस तरह से केस प्रोग्रेस हो रहा है, अगर बच्चा एक्टिव हो रहा है, मेंटली फिजिकली एक्टिव हो रहा है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल वीकनेस. क्योंकि फिजिकली भी ठीक तो होना ही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन मेंटली एक्टिव है, चुस्त है, तो इसका मतलब है कि माई मेडिसिन इज एक्टिंग इन द राइट वे. सो उसका 6 महीने के बाद वीट once in a week के बेसिस के ऊपर स्टार्ट किया गया. उसके बाद जब 3 महीने बीत गए तो उनका वेट था 24 kilograms और TTG दोबारा चेक करवाया, दैट वाज 12.20. इट शुड बी लेस देन 20. ऐसे ही एक साल और चलता रहा. पहले 3 months हमने once in a week वीट खलवाया. उसके बाद जब रिपोर्ट उसकी फिर भी नेगेटिव आई तो उसको हमने नेक्स्ट 3 months के लिए twice in a week, जैसे एक मंडे को एक थर्सडे को, इस तरह से वीट दिया. उसके बाद फिर 3 times वीट दिया और उसकी जो नेक्स्ट रिपोर्ट थी दैट वाज 2.8 और उसका वेट था 25.4. और जब मैंने देखा कि वेट और हाइट बहुत अच्छी तरह से नहीं बढ़ रहे तो मैंने इनको, ये मेरा शायद बहुत रेयर केसेस में है जिनमें मैंने पल्सटिला 10 mg की एक डोज दी. मैं बहुत कम 10 mg यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे मैंने उनको पल्सटिला 10 mg की एक डोज दी 2 साल के बाद. उसके बाद इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई. इन्होंने कंटिन्यू किया अगले 1.5 साल तक और अभी ये बच्चा बिल्कुल ठीक है. और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसकी 2017 की, मतलब कि बहुत सालों के बाद, 3-5 साल के बाद, तो इसका TTG जब ये पूरा वीट ऑल द 3 times खाती थी तो इसकी रिपोर्ट 2.3 थी TTG एंड HB वाज 12.2. सो इन लोगों का HB कम रहता है और इनकी ग्रोथ नहीं होती. तो यहाँ पे 4 साल के बाद की ये रिपोर्ट है. 2-2.5 साल इन्होंने मेडिसिन ली, उसके बाद मेडिसिन बंद कर दी. और मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि आप फिर से TTG करवाते रहा करो, लेकिन कभी भी कोई केस एज सच रिलैप्स नहीं हुआ. सो दिस इज ब्लैकमेल सेज विन रिफ्यूज यू डोंट लव मी. ये इस पे हमने बेसिस था हमारा पल्सटिला का. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल केस ऑफ वीट एलर्जी जिसमें बच्चा पल्सटिला से ठीक हुआ. अब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे. ये एक लेडी है 40 इयर्स की जिनको फाइब्रॉइड है. और फाइब्रॉइड का साइज तो चलो यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो बहुत छोटा, लेकिन इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी. इनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी ड्यूरिंग पीरियड्स और फ्रीक्वेंट हेडेक होता था जो कि हर रोज सुबह ही शुरू हो जाता था. और इनको नेबोथियन सिस्ट भी थे सर्वाइकल रीजन में. जब इनकी नेचर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन, हर छोटी छोटी बात की मुझे टेंशन होती है. आई हैव 2 daughters, मेरी 2 बेटियां हैं, और जब भी कोई कह देता है कि आपके बेटियां हैं तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटियां हैं, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है. तो मुझे ये थोड़ा हर्ट करता है कि लोग क्यों इस चीज़ के बारे में सोचते हैं. कभी भी मुझे, मैं रास्ते में एक्सीडेंट देख लूँ
तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, हर छोटी चीज़ के लिए मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत जल्दी रोना आ जाता है हर छोटी चीज़ पे। मुझे कॉन्सोलेशन एंड सिम्पथी बहुत अच्छे लगते हैं, और थर्मल इसके चिल्ली थे एंड प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि उनको एक्सीडेंट से बहुत सेंसिटिव हैं, कोई भी ऐसी बुरी घटना देख लें सुन लें और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस बेसिस के ऊपर सबसे पहले उनको कैल्केरिया कार दी गई, जिसमें कैल्केरिया कार में एक्सेसिव ब्लीडिंग भी है और ये सिम्टम्स भी थे। लेकिन 3 मंथ्स के बाद जब कैल्केरिया 31 डोज दी, 200 में दी, 1 mm में दी, एक एक महीने के डिफरेंस के बाद, लेकिन इनके फाइब्रॉइड में कोई फर्क नहीं आया। पहले इनका फाइब्रॉइड 9x6 था mm, और अब बढ़ के 17x13 mm हो गया अलॉन्ग विद क्रॉनिक सर्विसाइटिस। तो इसका मतलब है कि हमारी सेलेक्टेड मेडिसिन बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, करती इनको। फिर मैंने इनको पूछा कि अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपका साइज भी बढ़ रहा है, अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप ऑपरेशन करवाओ, तो आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहते? तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, बात ऑपरेशन की नहीं है, मुझे कोई डर डर नहीं लगता ऑपरेशन से, बात यह है कि घर में काम करने के लिए मैं अकेली हूँ, बच्चे छोटे हैं, उनकी केयर कौन करेगा, या मैं अकेली हूँ, मेरी ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन होगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे इस बात की चिंता है कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, मैं अकेली हूँ, मेरा ध्यान कौन रखेगा? और इस बेसिस के ऊपर फिर मैंने उनको पल्सा डला दी कि जिसको ऑपरेशन का ऐसा डर नहीं है, फिर इंजर्ड और बीइंग नहीं है, लेकिन ऑपरेशन डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है और नहीं करवाना, क्योंकि उसको लगता है डिल्यूजन अलोन शी इज, कि मैं अकेली हूँ, एंड केयर जो बच्चों की करनी थी वो कौन करेगा, मेरी केयर, मैं अकेली हूँ, मेरी केयर कौन करेगा? डिल्यूजन अलोन एंड फियर निग्लेक्टेड, कि मेरी, मैं तो निग्लेक्ट हो जाऊंगी। इस बेसिस के ऊपर इनको पल्सा टिल्ला दी। तो जब पल्सा टिल्ला 30 दी, उसके बाद 200 दी, उसके बाद 1 mm दी, 4 मंथ्स बीत गए। 4 मंथ्स के बाद जब उनका दोबारा से अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें कोई भी यूट्रस में फाइब्रॉइड नहीं था, और वो खुद भी, उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। तो दिस इज ओनली विद द बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन। हमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके थीम्स पता है, जिनमें रूब्रिक्स लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पता है कि इनमें ये मेडिसिन इन रूब्रिक के बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। सो यहाँ पे जो उनकी वर्शन थी कि मैं अकेली हूँ, मुझे ऑपरेशन का डर नहीं है, मुझे डर है कि बच्चों की केयर कौन करेगा और मेरी केयर कौन करेगा, मैं तो ऑपरेशन के बाद कितने दिनों तक, 3 महीने तक काम नहीं कर पाऊंगी, फिर कौन ध्यान रखेगा? सो पल्सा टिल्ला का जो मेन थीम है डिल्यूजन अलोन एंड फियर ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड, इसमें इनको पल्सा टिल्ला दी और ये ठीक हो गए। दिस वॉज द सेकेंड केस। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। जिन्होंने वेबिनार में मेरे केसेस नहीं सुने, उनके लिए ये रिपीट कर रही हूँ ये वाला केस मैं, जिसमें एक लेडी है जो आती हैं मेरे पास, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने थे, फेस के ऊपर सारे भरे हुए थे, इररेगुलर मेंसेस थे, और वो एलोपैथी लेते थे तभी पीरियड्स आते थे, नहीं तो 6-6 महीने, 4-4 महीने नहीं आते थे। उन्होंने 3 ईयर्स एलोपैथी ली, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस जब लेते थे तब पीरियड्स आ जाते थे, लेकिन जो एक्ने थे फेस के ऊपर वो ठीक नहीं होते थे। उनको PCOD की प्रॉब्लम थी, 8 साल से मैरिड थे, बेबी नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे पास आए तो उनका इशू प्रेगनेंसी वाला नहीं था, उनका इशू था कि मेरे ये क्या फेस का बुरा हाल हो गया है, आप प्लीज़ इसको ठीक करो। उन्होंने लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी करवाया था, उन्होंने 2 बार IVF भी करवाया था प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन दोनों बार फेल हो गया। जब मैंने उनसे उनकी नेचर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बहुत सारे आंसर्स, टोटली वेग आंसर्स दिए, जैसे गुस्सा पूछा तो भी उन्होंने कहा हाँ जी आ जाता है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता,
कभी रिपेंट करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, या उन्होंने बोला कि बस अब जल्दी ठीक कर दो, तो पूछा कि रीज़न, तो भी उनको कोई उनका कोई ख़ास आंसर नहीं था। और जब घूमने फिरने के बारे में पूछा तो भी उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शौक है घूमने का, तो जब मैंने पूछा कि कहाँ कहाँ घूमे हो, फिर उनके पास कोई भी आंसर नहीं था। उन्होंने बोला कि मुझे म्यूज़िक सुनना या गाना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब उनसे पूछा कि आपको कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है, तो भी उनको कुछ नहीं पता कि मैंने क्या बताना है। और उनके आंसर सिर्फ टू दी पॉइंट थे, यस और नो, या छोटी छोटी बातें, बस थोड़ा थोड़ा सा टू दी पॉइंट ही उन्होंने आंसर्स दिए। ड्राइंग पेंटिंग के बारे में या प्लांटिंग के बारे में, प्लांट्स के बारे में, गार्डनिंग के बारे में कुछ पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आई डोंट लाइक दिस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद मुझे कोई आंसर, प्रॉपर रिलायबल आंसर नहीं मिला, तो उन्होंने खुद ही मुझे जो बताया वो कहते कि डॉक्टर साहब मुझे रोना बहुत ज़्यादा आता है, मैं घर में खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ, हालांकि मेरे घर में सभी हैं, इन लॉज हैं, लेकिन मैं सुबह 9 बजे चली जाती हूँ, 9:30 बजे रात को आती हूँ, मेड काम करती है, काम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरा दिल करता है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे दुलार करे, कोई मुझे हग करे, कोई मुझे फॉन्डल करे, कोई भी नहीं है। सो बहुत ज़्यादा मेरे मन में ये इच्छा होती है कि फिर मुझे रोना आ जाता है कि कोई भी नहीं है। सो इसी बेसिस के ऊपर मैंने उनके रूब्रिक्स लिए, वीपिंग इजीली, फॉन्डल डिज़ायर फॉर, केयरलेस डिज़ायर टू बी, निग्लेक्टेड फीलिंग, कॉन्सोलेशन एमिलियोरेट, एंड अलोन फीलिंग। तो इसी के बेसिस के ऊपर उनको पल्साटेला दी। पहले ही मंथ में उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए। पल्साटेला 1 mg की सिंगल डोज दी थी फर्स्ट टाइम ही, तो 1 महीने के बाद उनके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हो गए, जिससे इनका सारा फेस भी ठीक हो गया और 6 months में प्रेगनेंसी हो गई। वो मेरे पास सिर्फ एक्ने के लिए आए थे, होम्योपैथिक मेडिसिन ने पॉलीसिस्टिक ओवरीज को करेक्ट किया और नेचुरल वे में इनकी प्रेगनेंसी हुई। और बहुत अचंबा होता है जब हम ऐसे रिजल्ट्स देखते हैं। सो दीज आर 3 cases ऑफ पल्साटेला, जिसमें तीनों में डिफरेंट थीम थे। एक में ब्लैकमेल वाला थीम था, दूसरे में अकेले एंड केयर्स वाला थीम था, थर्ड में अकेले वाला, निग्लेक्टेड वाला एंड फॉन्डल्ड वाला थीम था। सो इन 3 cases में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, मैं 5 medicines आपको बताऊंगी, आपने 5 medicines के किंग पिन बताने हैं। नंबर 1 ओपियम, 2nd इज कॉकुलस, 3rd इज हायोसेमस, 4th इज पल्साटेला, 5th इज सीपिया। आपने इन 5 medicines के किंग पिन बताने हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल, विन प्राइजेस एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू एवरीवन।